अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तारिक अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें तो बताना, ये जो सूट पहना हुआ है जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता है। ओ गॉड, फिल्म में काम किया। अब देखिए नीलाम घर, बकौल उनके उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहाँ याद आया, एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहाँ का कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगज मुजस्म सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहाँ फंस गई।